हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मास किंडरगार्टन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो किड्स एक्टिविटी हम लेके आए हैं वो है गणपति मेकिंग विद द हेल्प ऑफ क्ले। गणेश जी को विराजित करने के लिए मैंने यहाँ पे आयरन बॉक्स का कवर लिया है, जिसे हम एज ए बाजोट इस्तेमाल करेंगे, और इसे कवर करने के लिए क्राफ्ट पेपर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक रफ पेपर ले लीजिए, ताकि क्योंकि कलरफुल क्ले कलर छोड़ता है, तो आप जिस सरफेस पे इसे यूज़ करेंगे वो कलरफुल हो जाएगा, तो बेटर रहेगा एक वेस्ट पेपर आप नीचे रखें। बस हम क्ले की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइंस क्रिएट करते जाएंगे और हमारे गणपति बप्पा रेडी हो जाएंगे। इस एक्टिविटी में बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले बेस बनाने के लिए क्ले को राउंड शेप में करके फिर सर्कल शेप दी दी है। इसके बाद में बारी आती है स्टोमक और फेस की। स्टोमक के लिए हमने सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्ले इस्तेमाल किया है, क्योंकि गणेश जी की तोंद सबसे मोटी होती है, और फेस के लिए तोंद से लगभग आधा क्वांटिटी का क्ले हमने इस्तेमाल किया है। सून बनाने के लिए क्ले को सिलेंडर शेप में मोड़ना है, और उसके बाद में उसे हल्का सा कर्व दे देना है। इसके बाद में यहाँ पे गणेश जी के पैर गणेश जी के हाथ गणेश जी के हाथ को आप आशीर्वाद की मुद्रा में भी रख सकते हैं। हल्का सा इस क्ले को मोड़ देंगे तो ये हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में आ जाएगा। क्ले से गणपति बनाना बहुत इजी क्राफ्ट एक्टिविटी है, जिसे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और जो बेसिक शेप होती है गणपति की वो बच्चों को बचपन से ही क्लियर हो जाती है। मैंने इस तरह से डेमोंस्ट्रेट किया, उसके बाद में मेरे बच्चों ने भी गणपति 2 से 3 बार बना लिए इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके। यहाँ पे हम मुकुट बना रहे हैं। इसके लिए मैंने कलरफुल अलग अलग क्ले इस्तेमाल किए हैं, और 3 अलग अलग सिलेंडर शेप के क्ले को कर्व करके और यहाँ मुकुट का शेप दिया है। आप चाहें तो क्ले को हल्का सा फ्लैट करके शेप में ट्रायंगल शेप में कट करके भी मुकुट बना सकते हैं। ये आइडिया मेरी बच्ची का था, ट्रायंगल शेप वाला। जब वो ट्राई कर रही थी तो उसने उसे फ्लैट करके और कट करके और उस तरह से मुकुट बनाया था, वो भी बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। गणेश जी तो बन गए, पर मोदक कैसे रह जाएंगे? तो अब हम बना लेते हैं छोटे छोटे से लड्डू। इसके लिए मैंने यहाँ पे पीले कलर का क्ले बचा के रखा था। इसी तरह से आप क्ले के बजाय प्ले डो या फिर होममेड प्ले डो के हेल्प से भी बच्चों से गणपति बनवा सकते हैं। होममेड प्ले डो की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लास्ट में हम छोटा सा मूषक बनाएंगे। और ये हमारे बच्चों के लिए गणपति हो जाएंगे एकदम तैयार। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। इस एक्टिविटी के लिए जो क्ले इस्तेमाल मैंने किया है वो मुझे मात्र 35 रुपये में स्टेशनरी शॉप पे मिल गया था, जो पीडीलाइट कंपनी का था। गणपति बप्पा मोरिया लड्डू।